हादसा जानने के लिए हमारी टीम बदायूं संसदीय क्षेत्र के बिलसी विधानसभा में पहुंची। यहां के विधायक हैं बीजेपी के आरके शर्मा। हम यहां ये जानने पहुंचे थे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनके नेता उन समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं। यहां के लोगों ने हमें बताया कि उनके यहां की सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी। इस क्षेत्र में एक भी रोडवेज बस अड्डा नहीं है। कई बार इसका प्रस्ताव हुआ लेकिन प्रस्ताव पर अमल कभी नहीं हुआ। रोडवेज के लिए यहाँ आश्वासन दिया गया था कि रोडवेज का डिपो बनेगा। मायावती यहाँ से चुनाव लड़ी, बराबर की सीट सहसवान से मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे। तब यहाँ मायावती जी ने घोषणा की थी कि बिलसी को रोडवेज देंगी और तहसील देंगी। तहसील तो मिल गई है लेकिन रोडवेज डिपो आज तक नहीं मिल पाया है। जो राजनीति पार्टी आती हैं झूठा वादा कर कर यहाँ से चली जाती हैं। मुख्य यहाँ मांग है बस अड्डा, रोड यानी बस अड्डा, सबसे बड़ा बस अड्डा हो, क्योंकि हमारा ये एक इलाका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास जब हो, जब रोडवेज हो जाए और समस्या हो जाए तब हमारा विकास रुका हुआ है। रोडवेज यहाँ निकलती हैं, पास होती हैं, लेकिन कोई डिपो नहीं है, कोई स्टॉपेज भी नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ वही दिक्कत नहीं है। ज़्यादा देर में जाम लग जाता है यहाँ, और अगर कोई मरीज फंस जाए तो वो नहीं मरीज जाता है। हमने बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव और बिलसी के विधायक आरके शर्मा से भी पूछा कि बिलसी के लोगों को बस अड्डा कब मिलेगा। पहले सांसद जी का जवाब सुनिए, उसके बाद आपको विधायक जी का जवाब भी सुनाएंगे। देखिए, बहुत से तकनीकी कारण थे, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत प्रयास किया था। उस समय के उत्तर प्रदेश के जो सड़क परिवहन निगम है, इसने वर्तमान भूमि अधिग्रहण बिल को स्वीकार नहीं किया था। निगम ने, प्रदेश की सरकार ने कर लिया था, जिसकी वजह से लैंड परचेजिंग में दिक्कत थी और नहीं हो पाया। और मैं कह सकता हूँ बदायूं की जनता के बीच जितने मैंने वादे किए हैं, शायद एक अकेला ये वादा है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया। तो बिलसी विधानसभा क्षेत्र में लगभग अब से 250 से 300 करोड़ रुपया PWD के माध्यम से सड़कों के अंदर आ चुका है। बहुत अच्छी सड़कें बिलसी के अंदर बन रही हैं, कुछ एक सड़कें बची हुई हैं। मैं समझता हूँ 1-1.5 साल के अंदर हम उन सड़कों को पूरा करा पाएंगे। बिलसी विधानसभा में समस्या सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी यहाँ बुरा हाल है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है, यहाँ महिला वार्ड तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। ऐसे में किसी महिला को अगर तत्काल इलाज की आवश्यकता हो तो उसे रेफर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। बिलसी में जो हॉस्पिटल है उसमें कोई भी डॉक्टर ऐसा तैनात नहीं है जहाँ पे मरीज के लिए सुविधा मिल सके। एक बराबर में जो हॉस्पिटल, उसी में हॉस्पिटल उसका है लेडीज का, वो 1 साल बने हुए हो गए, उसमें आज तक कोई भी नहीं डॉक्टर है और नहीं वो बाहर से ताला पड़े हुए हैं उसमें। एक अस्पताल है और वहाँ जब कोई मरीज पहुँचता है, जैसे डिलीवरी है, हार्ट अटैक वाली बीमारी है, उसके लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं है और इतना साधन नहीं है यहाँ पर कि जो कहीं दूसरी जगह पहुँच पाए और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कोई केयर गुड नहीं होती है किसी की, ठीक है। अगर कोई भी बात होती है मरीज के लिए तो बाहर को चालान काट देते हैं। महिलाओं का इलाज नहीं है, आप वो कर देते हैं, बदाम को भेजते हैं, सरकारी में आते हैं तो वो बोल देते हैं बदाम लेके जाओ। अब बदाम वाले बोलते हैं बरेली लेके जाओ। जब पैसा है हमारे पास तो हम इलाज कर पाते हैं, नहीं है पैसा तो मरीज हमारा रहता है। हमने बदायूं से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से पूछा कि बदायूं के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई क्यों हैं, लेकिन सांसद जी ने सारा ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया। तो ये व्यवस्था बनाना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। जब वर्तमान सरकार उन बनी हुई व्यवस्थाओं को नहीं चला पा रही है, डायल 100 के लिए लोगों ने आपने सुना होगा कि डीजल नहीं दे पा रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, तो ये व्यवस्थाएं तो बनाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वही दोषी हैं।